राहुल गांधी जी को डिस्क्वालिफिकेशन किसी ने नहीं किया है। ऑपोजिशन लीडर ऑफ स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप खिलाया जा रहा है, ये सात टाइम हो गया। इसके लिए हमें अभी हम लोगों ने देखा होगा कि हमें बुलाया, उसका इनोग्रेशन कर दिया। बढ़िया अच्छा नेता था इस प्रदेश के लिए, देश के लिए, समाज को इस सुंदर अरुणाचल बनाने में। वो नेता को भी हम नहीं भूल सकते। सिर्फ फॉर्मर मुख्यमंत्री काली कपूर बोल के नहीं, जितने भी जो मुख्यमंत्री रहा, जितने भी जो मंत्री रहा, एमएलए रहा, हायर शिक्षण के सोसाइटी लोगों ने सब मिलकर अभी तो प्रदेश को अच्छा लेकर आया। और उसके बाद अभी हम लोग टीम अरुणाचल के सरकार पेमा खांडू जी के नेतृत्व में सी चेंज डेवलपमेंट हो रहा है। और इसी के लिए फॉर्मर लोग का ये टेबल टेनिस का प्रेसिडेंट ये तीन बार हो गया, उसको कंडक्ट करता है प्रत्येक साल को ये टेबल टेनिस का चैंपियनशिप के लिए आयोजन। हाउ यू कैन से आई एम द ऑपोजिशन लीडर ऑफ स्टेट राहुल गांधी का जो एमपी सीट को डिस्क्वालिफिकेशन किया सर, उसके बारे में एनी कमेंट? देखिए आप लोग राहुल गांधी जी को डिस्क्वालिफिकेशन किसी ने नहीं किया है। कानून सबसे बड़ा है। कानूनी तौर पर जुडिशरी, अगर कानून में कहीं फल है, कहीं मिला होगा तो वो कोर्ट ने किया है, उसको हम लोगों ने कौन करेगा, कौन डिस्क्वालिफिकेशन करेगा? और जो कानून तो बड़ा है ना, कानून जितने भी मंत्री एमएलए विधायक हमसे भी बड़ा, हम सबसे तो बड़ा कानून है। कानून ने कहीं ना कहीं कुछ किया होगा तो किसी ने सुधीर स्कूल को कुछ नहीं। इस इवेंट को कैलेंडर इवेंट बनाने के लिए आप स्पॉन्सर करेंगे नेक्स्ट ईयर से? वो हम देखेंगे, आप लोग वो हम अभी टेबल टेनिस जी वो हम मेंशन किया सेक्रेटरी के साथ, दारिक तोड़ के साथ हम बैठ कर बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें मेमोरेंडम दिया गया है, उसके लिए सोचेंगे। अगर वो नहीं आता है तो जो ऑर्गेनाइजर से हम बैठ के बात करेंगे। आप ऑर्गेनाइजर से पूछा कर सर, हमने बात भी किया था उनके पास, तो आई विल बी मेकिंग एन कभी कभी मेरा पास बुलाइए, उसको मैं पूछता हूँ, अगर ऐसे होता है तो मैं बात करूँ। तो ये मेमोरी जो टेबल टेनिस को ही क्यों चुना गया और क्या इसका मोटो क्या है? पहले थैंक यू आपको, आपने मुझे यहाँ इंटरव्यू लिया। फर्स्ट लेट पुल सर जो स्पोर्ट्स को बहुत ध्यान देता था, खासकर यूथ्स के लिए बहुत सोचता था, और अभी का गवर्नमेंट भी नशा मुक्त, ड्रग्स मुक्त ये सब अभियान चला रहा है, तो यूथ्स लोग को अभी कहीं ना कहीं मन को डाइवर्ट करना है। तो हम लोग टीम ने डिसाइड किया कि पहले जैसे टेबल टेनिस क्या बोलते हैं, बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, पहले से गवर्नमेंट का कैलेंडर ईयर है, तो टेबल टेनिस में कभी तक अभी तक किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो हम लोग सब टीम ने डिसाइड किया कि हम लोग टेबल टेनिस को हम लोग बढ़ावा देता है और इसको आगे प्रमोट करता है, और इसको गवर्नमेंट से हम लोग कैलेंडर ईयर मांगने का सोच रहा है, और गवर्नमेंट भी पॉजिटिव ले रहा है सबको। सब लोग बहुत खुश है, आपने टेबल टेनिस शुरू किया, आपका टीम ने, तो हम लोग जरूर इसको कैलेंडर ईयर बनाएंगे। ओके, सब लोग बहुत खुश है, तो हम लोग भी वही लेट पुरुष सर को याद करने के लिए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको टीटी के तौर पर हम लोग स्टेट में खिला रहे हैं। आप भी एक एमएलए हैं जो में इसे रिप्रेजेंट करते हैं हाउलिंग से, आप यूथ को, आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल ड्रग्स का ज़्यादा मतलब यूथ में इन्वॉल्वमेंट है, यूज़ करते हैं ड्रग्स यूज़ है, और काफ़ी लोग अल्कोहल या फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स को यूथ भूलते जा रहे हैं, एक्टिविटीज़ को फेसबुक यूट्यूब इसमें लग रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे? अभी देखिए नेट का ज़माना है, सब मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में लगा रहता है, खेल कूद सब भूल गया, तो अभी ये सब हर जगह से कुछ ना कुछ जगह, कभी टेबल टेनिस में एंगेज होगा, कोई फुटबॉल में, कोई वॉलीबॉल में, तो जो क्लास 10-12 फेल होके बैठा वाला लोग भी कोई कोई इंटरेस्ट ले रहा है, मैंने गांव में बैठने से भी हम भी चलो, कोई कोई जगह ऐसा है सिर्फ स्टूडेंट्स को ही खेलना अलाउ है, कोई कोई जगह ने अपना घर में खेलता है, इसमें सब उम्र के कैटेगरी को, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स, सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, जूनियर बॉयज़ एंड क्या बोलते हैं, सब कैडर का हम लोग ने यहाँ रखा है, मेन्स एंड वुमेंस,
तो यहाँ सब उम्र का लोग इंगेज हो सकता है। ये साल भर खेलो ऐसा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस भी लगेगा उनको, आगे कैसा मेहनत करना है वो लोग को मोटिवेट मिलेगा यहाँ से। मैंने हर साल हमको पार्टिसिपेट करना है, इसमें जीतना है, सबको जीतना है ऐसा सोच के आएगा। और दिमाग मैंने हम लोग का नेटवर्क जैसे लैपटॉप मोबाइल को भूल के मैंने मेहनत की ओर लगेगा। अभी कौन सपोर्ट कर रहे हैं मैम, आप अपनी तरफ से कर रही हैं, गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिला? नहीं, हम गया सर, हमने पहले भी बताया, हम लोग का स्पोर्ट्स का मिनिस्टर उस समय डॉक्टर महेश चाय सर थे, तो पूरा फर्स्ट ईयर का गेम जो गवर्नमेंट से थोड़ा मदद मिला, बाकी चाय सर ने किया था। गया सर मामा नतुंग सर स्पोर्ट्स के मिनिस्टर थे, उन्होंने किया और इन लोगों ने किया। और अभी इस साल का मैं टोटली मैं खुद कर रहा हूँ, और स्पोर्ट्स वाला थोड़ा हम लोग को टीटीए का जो टीम वो लोग मदद कर रहा है, तो हम लोग गवर्नमेंट और मैं अपने तरफ से खिला रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है, मदद कर रहा है हम लोग को। तो नेक्स्ट ईयर से शायद गवर्नमेंट खिलाएगा, हम ऐसा उम्मीद करता है। सब कैबिनेट को हम बात करके रखा है, तो वो लोग आप मैडम आपको हम लोग इसको कैलेंडर ईयर करेगा, क्योंकि सबने हमको इंश्योरेंस दिया, तो हम वही उम्मीद करता है नेक्स्ट ईयर से गवर्नमेंट खिलाए इसको। और इसमें हमारे सीएम डीसीएम भी बहुत वो लोग भी खुशी है, आप इस कम से कम ऐसा खिला रहे हैं, हम लोग इसको जरूर आपके लिए और पूरा स्टेट अरुणाचल को सोच के लिए सर को याद करने के लिए इसको हम लोग कैलेंडर ईयर करके देगा, ऐसा मुझे बोला। पिता जी को तो एज पीपल्स लीडर जाना ही जाता था, और उनका स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स के वजह से भी जाना जाता था। तो आज के दिन वो जहाँ भी है हमको लगता है बहुत खुश होगा यहाँ सबको देख के। भैया लोग को स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का बिना ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था, और इतना साल से मदद तो हर तरफ से मिल रहा है मदद तो, पर ये मेनली जो मेरा माँ जो यहाँ खड़ा है उनका मेन कंट्रीब्यूशन जो माँ कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी पिताजी गुजरने के बाद अभी 5 टूर्नामेंट्स लगातार किया हुआ है, तो इतना साल जितना भी दुख तकलीफ हो कष्ट करके मेहनत करके मैडम ने बिना छूट हर बार पिताजी का नाम रखा है। तो आज का दिन में पिताजी का नाम जीवित है, और ये टूर्नामेंट आज हम लोग सब यहाँ पर है तो मैडम का कारण है। मेरा नाम ओजिंगसो पुल, नीट कालिंग पुल सर का बेटा।